जिन परिवारों में उन्होंने अपना चिराग खोया है, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। हम राज्य सरकार के गृह मंत्री से, राज्य के उप मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता से पूछना चाहते हैं कि जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी? माँ दुर्गा के भक्तों पर गोली चलाने और उनकी हत्या करने वाले इस सरकार को आज बर्खास्त करके जाइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन न्यूज, मैं हूं आपके साथ खुशबू सांगवी। मुंगेर में हुए मूर्ति विसर्जन को लेकर जो बवाल हुआ था, उसको लेकर अब बिहार की राजनीति काफ़ी गर्म हो गई है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बिहार सरकार पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा है कि वहां के मुंगेर के डीएसपी और एसपी को तत्काल हटाना चाहिए, जिसको लेकर उन्होंने महागठबंधन के नेताओं के साथ आज सुबह सुबह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि यह जो घटना हुई है वो साधारण घटना नहीं है। इस घटना में जो भी एसपी और डीएसपी हैं उन्हें वहाँ से तत्काल हटाना चाहिए, साथ ही साथ इस पूरे मामले पर उच्च स्तरीय जाँच होनी चाहिए, साथ ही हाई कोर्ट के जज की निगरानी में पूरे जांच को देखना चाहिए, जिसको लेकर विशेष क्या कुछ कहा तेजस्वी यादव ने, आप खुद सुनिए। खबर है, आप लोगों ने दिखाया भी है कि मुंगेर में जो घटना हुई है, जिसकी हम लोग निंदा करते हैं कड़ी शब्दों में, और प्रशासन ने बताया है कि एक की मौत हुई है और कई लोग जो हैं घायल हुए हैं। हालांकि स्थानीय लोगों ने जो सूचना दी है, शायद एक से ज़्यादा मौतें हुई हैं और बड़ी संख्या में घायल हुए हैं। आग है, दिल दहला देने वाला है और लगातार पुलिस का ये रवैया, प्रशासन का जो रवैया है, ये किसी को अचानक से वहाँ समझ में नहीं आया कि अचानक से पुलिस इतना बड़बड़ता से लोगों को पीटने क्यों लगी, फायरिंग क्यों चलाई गई। और आपने देखा होगा पूरी तरीके से वीडियो में, जो क्लिप में, कि लोगों को ढूंढ ढूंढ करके पीटा जा रहा है, बल्कि बैठा करके लोगों को पीटने का काम कर रहा है। हमारी संवेदनाएं जिन परिवारों में उन्होंने अपना चिराग खोया है, उनके प्रति हमारी संवेदनाएं हैं। लेकिन सवाल खड़ा होता है कि बिहार के मुख्यमंत्री, जो कि गृह मंत्री हैं, वो क्या कर रहे थे? क्या उनको सूचना नहीं है? बिहार के उप मुख्यमंत्री जो बीजेपी के नेता हैं और बिहार में डबल इंजन की सरकार है, ये साफ दिखाता है कि कहीं ना कहीं से इसमें जो डबल इंजन सरकार का भूमिका पूरी तरीके से रही है। हम तो जानना चाहते हैं कि ट्वीट के अलावा सुशील मोदी जी ने क्या किया है, और जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी? हम राज्य सरकार के गृह मंत्री से, राज्य के उप मुख्यमंत्री बीजेपी के नेता से पूछना चाहते हैं कि जनरल डायर बनने की अनुमति किसने दी? क्योंकि प्रदेश के गृह मंत्री जो मुख्यमंत्री भी हैं और जो उप मुख्यमंत्री आपकी पार्टी के हैं, उन्होंने कानून व्यवस्था का जनाजा निकाल दिया है। जैसा आपने कहा, इसकी जांच तो होगी। अगर प्रधानमंत्री जी आप में थोड़ा सा भी विवेक बचा है, तो मां दुर्गा के भक्तों पर गोली चलाने और उनकी हत्या करने वाले इस सरकार को आज बर्खास्त करके जाइएगा। अगर नीतीश कुमार और सुशील मोदी की सरकार को आज बर्खास्त नहीं किया प्रधानमंत्री ने, तो ये साफ हो जाएगा कि कहीं ना कहीं उनकी प्रत्यक्ष और परोक्ष संलिप्तता इसमें है। और आखिर में मैं केवल ये कहूंगा, ये भी साफ हो जाएगा कि संस्कार और संस्कृति भारतीय जनता पार्टी के लिए कुर्सी पर बैठने का विषय है, आराधना का विषय नहीं, विश्वास का विषय नहीं। इसलिए आज
बिहार की पवित्र धरती पर जब प्रधानमंत्री मोदी आए हैं तो प्रधानमंत्री जी को बिहार की 12 करोड़ जनता को जवाब देना पड़े। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने भी सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरीके से मुंगेर में मूर्ति विसर्जन के दौरान लोगों पर लाठियां बरसाई गई, इससे तो यह साफ हो रहा है कि यहाँ बिहार में क्रूर सरकार है। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा कि पीएम मोदी बिहार आने वाले हैं तो यहाँ की जो सरकार है उसे तत्काल बर्खास्त करें। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे नेशन न्यूज़ के साथ। नमस्कार।